लंपे स्किन बीमारी लगातार पशुओं की जान ले रही है। अब ये जानलेवा बीमारी पूरे राजस्थान में फैल चुकी है और श्रीगंगानगर में सबसे पहले ये फैली थी। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर गांठें निकलती हैं और फिर बाद में उनकी मौत हो जाती है। अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिल पाया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। लंपी स्किन पशुओं को ले रही है जान, अब पूरे राजस्थान में फैल चुकी है बीमारी। बीमारी का नहीं है कोई इलाज। बेमौत मर रही गाय भैंस। राजस्थान में लंपी स्किन बीमारी धीरे धीरे हर जिले में फैलने लगी है। लगातार पशुओं में फैल रही इस बीमारी से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीमारी से पशुओं की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। सबसे पहले गाय भैंस के शरीर पर गांठे निकलती है, फिर बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये उसके मौत का कारण बन जाती है। तो वही दूध देने वाले पशु दूध देना बंद कर देते हैं। श्री गंगानगर से शुरू हुई ये बीमारी अब हनुमानगढ़ के पीली बंगा में भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर 1386 पशु लंपी स्किन बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो वही 36 गायों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही लंपी स्किन बीमारी से गाय भैंसों की मौत के लिए प्रशासन के पास भी कोई ठोस कदम नहीं है। पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के लिए अभी कोई दवा नहीं है, लेकिन बचाव के द्वारा इसे रोका जा सकता है। इस गंभीर बीमारी को देखते हुए पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में डॉक्टरों की टीमों को तैनात किया है ताकि इस बीमारी को कुछ हद तक फैलने से रोका जा सके। ये लंपी स्किन डिजीज रोग है। अभी पीलीबंगा में इसके कुछ केसेस आ रहे हैं। हमने सभी उपकेंद्र प्रभारी जो हर लगभग सभी पंचायत के अंदर में संस्था है, सभी पशुधन सहायकों को इसके सर्वे के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं और जितने भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी सूचना दे रहे हैं और उनके उपचार की भी सूचना दे रहे हैं। अभी तक पीलीबंगा में 138 केस आए हैं जिनका उपचार चल रहा है और इनमें 3 पशुओं की अभी तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन इस अब LST से ग्रस्त पशु को इलाज करते हैं संस्था में तो दवा पर्ची के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सर कितने केस आ रहे हैं दिन में? लगभग दिन में 12-13 केस आ रहे हैं, उसमें इलाज भी हो रहा है लेकिन रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। 5-6 दिन रिकवरी में होते हैं तो रिकवरी में 5-6 दिन लग जाते हैं, फिर 7-8 दिन भी लग जाते हैं। पशु की हेल्थ पर निर्भर करता है लेकिन मृत्यु दर अभी बहुत ही कम है इसके अंदर। तो समय पर इलाज करवा दें, जहाँ भी हम कोशिश करते हैं उपलब्ध अनुसार दवाई पहुँचा देंगे। क्या वैक्सीन बनी है सर? इसकी अभी तक फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन क्योंकि ये पिछले साल एक साल पहले भी आए थे इसके केस, अभी आए हैं, तो इसकी अभी तक इसकी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बनी भी नहीं है। इलाज है हमारे पास सभी संस्थाओं में लगभग उपलब्ध है और मेडिसिन उनकी डिमांड की हुई है। मेडिसिन आते हम और संस्था में पहुँचा देंगे जहाँ पे ज़्यादा केस आ रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हंसराज चौहान है, मैं प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पीलीबंगा। बीमारी को फैले एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। लंबी स्किन से लगातार पशुओं की जान जा रही है। पशु पालक इससे घबराए हुए हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पीलीबंगा से लाल बहादुर भाकर की न्यूज़।